हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है एमबीबीएस इन बांग्लादेश को लेकर के। अब जैसे बांग्लादेश को लेकर के जो अभी हालात हैं वो किसी से छिपी नहीं है, और अभी जो सिचुएशन है, जो भी स्टूडेंट्स इंडिया में हैं उनके बीच में सबसे जो बड़ा कन्फ्यूजन है कि ऑफलाइन क्लासेस के लिए उनको डिपार्चर का क्या शेड्यूल फिक्स करना चाहिए। इसको लेकर के सबकी अपनी अपनी राय है और सबकी अपनी अपनी जो है वो विशेष है। कंसल्टेंट को लग रहा है कि जितने जल्दी बच्चे पहुंच जाएंगे उतना जल्दी अब्रॉड का एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा, और बच्चों को लग रहा है कि दो चार पांच बच्चे पहुंच गए हैं, लोकल है, ऑनलाइन क्लासेस है। ये मेजर चैलेंजेस है कि ऑनलाइन क्लासेस की कनेक्टिविटी, नेटवर्क इशू हर कॉलेज के साथ अच्छी एक्सेसिबिलिटी पर नहीं है, तो प्रॉब्लम तो है। पेरेंट्स को लग रहा है कि सेफ्टी सिक्योरिटी का इशू है, मन में डर है, भेजे ना भेजे क्या करे, बच्चे जा रहे हैं। तो हर किसी का कंसर्न अपने अपने लेवल पर लाजमी है और राइट है। लेकिन खैर, बात माई करियर पाठशाला की करते हैं। जैसा कि आप सबको लगातार शुरू से मतलब एक जो परफेक्ट राइट इन्फॉर्मेशन होता है वही हम कन्वे करने की कोशिश करते हैं, आपको पास ऑन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब बांग्लादेश में इस तरह के क्राइसिस सिचुएशन हुए थे तो माई करियर पाठशाला और माई करियर पाठशाला की टीम ने, जो बांग्लादेश में अवेलेबल रहती है आपके हेल्प के लिए, वो किस तरीके से हेल्प करी थी, उनके कुछ फीडबैक आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। उसमें एक ऑडियो भी है, इस ऑडियो को भी सुन लीजिए। बिल्कुल सही बात है ये कि रंजन सर ने जो है अपना हक अदा कर दिया, इसमें कोई शक नहीं है। एक्चुअली पहचान जो होती है वो बुरे वक्त में ही होती है, और रंजन सर ने जो है कर दिखाया। वाकई सल्यूट है सर आपको, और आपने जो है, मुझे अच्छे से याद है कि मेरी पूरी रात आपसे बात होती रही है कि आप एक मिनट भी नहीं सोए हैं सर। वाकई कहीं ना कहीं सर ये फेथ को डेवलप करता है, और आप हमेशा खुश रहें सर। बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहा आपका और आगे भी रहेगा उम्मीद है। यानी ये देखिए कि आपने जो है, जो बच्चे आ रहे हैं जिनका वीज़ा एक्सपायर है और आपने उनके लिए पहले ही इंफॉर्मेशन दे दी, तो एक छोटी बात नहीं है सर, ये बहुत बड़ी बात है। रंजन सर ऐसे ही करते रहिए, हम लोग आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे और हमेशा याद रखेंगे। कभी भी आप आवाज़ देंगे हम लोग आपके साथ खड़े मिलेंगे 100% और हर तरीके से सर। देखिए जितने भी गार्जियन हैं, जो स्टूडेंट्स हमारे गए हुए हैं, सब लोग पूरा कॉपरेट आपके साथ करेंगे, ये हम वादा करते हैं आपसे। और आप ऐसे ही करते रहिएगा, बहुत ही अच्छा लगा और वाकई आपने जो है हक अदा कर दिया सर। थैंक्स ए लॉट सर, थैंक्स ए लॉट। इसमें से जो फीडबैक थे वो हमारे दिल के काफ़ी क्लोज थे। जैसे ये वाला देख लीजिए कि कुमार रंजन साहब, आप जैसे ईमानदार कर्मठ व्यक्ति को ब्रह्मांड के लिए काम करने की आवश्यकता है। तो इस तरह के कई सारे फीडबैक है। कई सारे पेरेंट्स का है कि बच्चे चले जाएंगे तो दे विल सेंड देयर ऑडियो फीडबैक। मतलब आज हालत ये है कि माई करियर पाठशाला के बारे में एक लाइन अगर पूछा जाए तो 5 लाइन पेरेंट्स बताने की कोशिश करते हैं, पहले से बताते रहे और आज भी बताने की कोशिश कर रहे हैं डिफरेंट चैनल्स के द्वारा। इसलिए क्योंकि हमारी जो कमिटमेंट है एडमिशन प्रोसेस में, और वो सर्विस पर दिखाई देती है। हम रात भर आपके लिए जागते हैं, चाहे कभी भी कोई भी सिचुएशन हो हम छोड़ते नहीं हैं, जब तक आपको सेटिस्फैक्शन ना मिल जाए। खैर, अब बात करते हैं जाने वाले सिचुएशन को लेकर के। जाने वाले सिचुएशन को लेकर के हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक नीचे भी दे देता हूँ, आप चाहेंगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और इन फ्यूचर कभी भी जरूरत पड़ी उस तरीके की तो उस ग्रुप पर लगातार हम चीज़ें आपको अपडेट करते रहेंगे। इसमें दो तरीके के कॉलेजेज हैं अभी जिन बच्चों को जाना है, एक तो प्रॉपर ढाका के अंदर में और दूसरा ढाका से आउटसाइड, यानी आउटसाइडर कॉलेज जो डिफरेंट लैंड बॉर्डर से होकर के आप जाते हैं। जो बांग्लादेश के जो प्रॉपर ढाका जो कॉलेजेज हैं उसमें कुछ कॉलेजेज ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए हैं, कुछ कॉलेजेज ने अभी तक ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट नहीं किए, जिसको लेकर के बच्चों के बीच में, पेरेंट के बीच में एक डिसअपॉइंटमेंट है कि क्यों ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं किए। ठीक है, देखिए क्या है ना कि बांग्लादेश में डिफरेंट आइडियोलॉजी के प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल का ये कहना है या उनका मानना है कि जो मेडिकल के जो क्लासेस है वो ऑनलाइन के लिए नहीं बने, वो परफेक्ट है,
ये ऑनलाइन के लिए बनी भी नहीं, आपकी सरकार भी इसकी मान्यता नहीं देती है, और कुछ जो कॉलेजेस है वो चला रही है वो भी इस चीज़ को नहीं मानती है, लेकिन क्या है कि एक इंगेजमेंट पर्पस है तो वो ऑनलाइन इसको स्टार्ट कर दिए, क्योंकि गवर्नमेंट सर्कुलर गाइडलाइंस है तो लोकल को पढ़ा रहे हैं तो फॉरेन को छोड़ नहीं सकते, तो उस पर्पस से स्टार्ट कर दिए। लेकिन मैंने जिस कॉलेज में भी बात करी, दो चार पांच जिस कॉलेज के भी डायरेक्टर से या प्रिंसिपल से बात करी, उनका यही कहना था कि इस मंथ एंड में या सेप्टेम्बर के फर्स्ट वीक में 2-3 तारीख से फुल फ्लेजर्ड ऑफलाइन क्लासेस उनकी स्टार्ट हो जाएगी। तो जो ढाका के जो कॉलेज के बच्चे हैं, दो तरीके से, या तो फिर आप अगर आपका ग्रुप जा रहा है, आपके बैच जा रहे हैं, और अगर जा भी रहे तो प्लान करिए कि आप सैटरडे संडे के आसपास या उसके बाद ही जाइए, मोस्ट प्रोबेबली आप मंडे ट्यूसडे तक में पहुंचिए, क्योंकि उससे पहले कोई भी कॉलेज ऑफलाइन फुल फ्लेजेड तरीके से स्टार्ट नहीं करेगा। ऐसा नहीं हुआ कि आप 10 बच्चे ग्रुप में से उठ करके चले जाएंगे तो कॉलेज ऑफलाइन फुल फ्लेजेड स्टार्ट कर देगा। तो आप ये मान करके चलिए कि आने वाला जो अपकमिंग वीक है उसी वीक से आपकी क्लासेस फुल फ्लेजेड तरीके से स्टार्ट होगी, तो आप अपना जाने का जो शेड्यूल है वो इसी तरीके से प्लान कर सकते हैं। अब रही बात पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स देखिए, आज नहीं तो कल आपने बच्चों का एडमिशन कराया है तो भेजना तो पड़ेगा। अब वो एक अलग बात है कि आपके मन में एक डर है, शंका है, लेकिन हाँ, बांग्लादेश में चीज़ें न्यूट्रलाइज हुई हैं, पहले जैसा माहौल नहीं है, सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पहले की तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ, पुलिस है, ट्रैफिक है, मार्केट्स है, वो सब चीज़ ओपन है। लोगों का जो पब्लिक सेंटिमेंट्स एक होता है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है कि किसी भी कंट्री के बीच में जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो वहाँ के पब्लिक का सेंटिमेंट्स क्या है, तो जो हमारे इंटरनल न्यूज है, जो सोर्सेस है, उनके हिसाब से भी जो लगता है कि जो पब्लिक के सेंटिमेंट्स हैं वो प्रेजेंट गवर्नमेंट के साथ स्टेबल नजर आते हैं। उनको लगता है कि सरकार अच्छा करेगी, पहले से ज़्यादा बेहतर करेगी। अब हमारे इंटरनेशनल रिलेशन की अगर बात करें कि इंडिया के साथ बांग्लादेश का क्या रिलेशन है, तो देखिए, जाहिर सी बात है कि जब एक सरकार जाती है और दूसरी जाती है तो नए के साथ रिलेशन बिल्डअप करने में थोड़ा तो टाइम लगता है। जो हमारा और आपका प्रेडिक्शन हो सकता है, कैलकुलेशन हो सकता है कि इंडिया को जितनी बांग्लादेश की ज़रूरत है, बांग्लादेश को उससे ज़्यादा इंडिया की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब दोनों को जब एक दूसरे की इतनी ज़रूरत है नेबरिंग कंट्री होने के अनुसार, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट कोई भी आए, हर तरफ से, दोनों तरफ से ये पहल की जाएगी कि चीज़ों को न्यूट्रलाइज किया जाए, बैलेंस्ड किया जाए और पहले की तरह से उसको आगे बढ़ाया जाए। तो फिलहाल के लिए तो इतना जान लीजिए कि बच्चों को भेजने का टाइम आ चुका है, अब आपको इसकी प्लानिंग करनी होगी, उनकी टिकटिंग करनी होगी और उनको वापस भेजना पड़ेगा। अभी के हिसाब से हालात लगभग ठीक है। अब आउटसाइडर के लिए अगर बात कर ले, तो आउटसाइडर भी जो कॉलेजेस है बाउंड्री साइड पे, जैसे आप बैनापुर बॉर्डर से चले जाओ, अगर आप फुलवरी बॉर्डर से चले जाओ प्राइम मेडिकल कॉलेज में, या कलकत्ता के बॉर्डर से चले जाओ, या अखौरा बॉर्डर से चले जाओ, बैनापुर तो बता ही दिया था, अखौरा बॉर्डर से चले जाओ अगरतला के साइड से, तो लैंड बॉर्डर्स ऑलमोस्ट ओपन कर दिए गए हैं और लैंड बॉर्डर्स पे आप जा सकते हो। वीजा भी जो प्रोसीजर है वो, जिनका वीजा नहीं लगा है ऑलरेडी वीजा ओपन है, एम्बेसी में वीजा लग रहा है तो आप वीजा भी लगवा सकते हैं अगर एक्सपायर्ड है तो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मेरे ख्याल से लगवा चुके होंगे अभी तक। और बाहर के भी जो कॉलेज वाले हैं, जैसे मैंने प्राइम मेडिकल कॉलेज से बात करी, मैंने नॉर्थ बंगाल वालों से बात करी, या मैंने 1-2-3-4 कॉलेजेज और भी है जिनसे मैंने बात करी है, तो उन सबका कहना था कि मंथ एंड में या सितंबर के फर्स्ट में वीक में ही दे विल स्टार्ट द क्लासेस। इसका रीजन ये है ना कि बांग्लादेश में भी क्या है ना कि प्राइवेट कॉलेज का एक एसोसिएशन बॉडी है और उनके बीच में भी एक ग्रुप है जहां पे चीजें आपस में इंटरेक्ट होती है, कम्युनिकेट होती है, तो मोस्ट प्रोबेबली सारे कॉलेज 2-4 दिन आगे पीछे करके ही अपनी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो आपकी सबसे बेस्ट एडवाइजेबल जर्नी टू डिपार्ट फ्रॉम इंडिया जो है वो इस वीक में संडे या मंडे के बाद हो सकती है कि आप वहां पे जाइए, उसके बाद प्लान कीजिए और प्लान करने के बाद जाकर के फिर धीरे धीरे अपने आप को स्टेबल करना शुरू करिए। 2 तारीख तक मोस्ट प्रोबेबली लगभग हर बच्चों को हर कॉलेज वाले ऑफलाइन क्लासेस के लिए बुला लेंगे, क्योंकि फुल फ्लेजेड तब तक ही, उसके बाद से ही लगभग शुरू हो पाएगी। जो भी बच्चे जा रहे हैं बांग्लादेश में, जो माई करियर पाठशाला के बच्चे हैं, वो ऑलरेडी उनके पास नंबर शेयर है, कॉन्टैक्ट शेयर है। इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी, एनी प्रॉब्लम्स, यू आर फील फ्री टू कॉन्टैक्ट एनी टाइम आवर लोकल पार्टनर्स इन बांग्लादेश। लोकल पार्टनर क्या कह लीजिए, आपका कंट्री मैनेजर है, उनका नाम आपके साथ शेयर है, नंबर शेयर है, ग्रुप में आप हो, आप कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ माई करियर पाठशाला, अगर उनको भी किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मुझे बहुत कॉल आए हैं ऐसे पेरेंट्स के, शायद वो पेरेंट देख भी रहे होंगे, जिनके कंसल्टेंट ने एडमिशन करा करके पता ही नहीं कि कहाँ चले गए,
कोई फोन उठाने वाला नहीं, बस एडमिशन करा दिया, कहीं भी भेज दिया। तो आपको भी अगर किसी भी तरीके की जरूरत हो, हेल्प हो, इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी, या अपकमिंग टाइम्स में अगर आपको लगता है कि वैसा कोई सिचुएशन है, यू नीड एनी हेल्प एनी गाइडेंस, यू कैन कॉन्टेक्ट अस। ऐसा नहीं है कि आप हमारे स्टूडेंट नहीं है, या हमने आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है 5 साल का, हमने आपको कोई सर्विसेज का कमिटमेंट नहीं किया, तो हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे। हमसे जो हो पाएगा हम जरूर करेंगे और हमेशा करते रहे। वी स्टैंड फॉर स्टूडेंट्स एंड वी आर फॉर स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है कि आप अपनी जर्नी तैयार करेंगे, प्लान करेंगे और जा करके इंशाल्लाह सब कुछ अच्छे इस तरीके से, सब कुछ धीरे धीरे अपने अपने जैसा सिचुएशन था बांग्ला में वो वापस देखने को मिलेगा। और बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ। टिल देन कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।